हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका। एंड जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि आपने ग्रुप वन कैसे क्लियर किया एंड आपने क्या मटेरियल यूज़ किया था, किस फैकल्टी से आपने क्लासेस ली, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रुप वन है जिसमें चार सब्जेक्ट हैं, FR, SFM, ऑडिट एंड लॉ, तो मैंने जो क्लासेस की हैं, पहले मैं उसकी बात बता देती हूँ। जो मैंने क्लासेस की हैं FR की, वो मैंने रेगुलर क्लास प्रवीण शर्मा सर से ली थी, क्योंकि CA इंटर में भी मैंने अकाउंट्स प्रवीण शर्मा सर से पढ़ा था एंड फाइनल में भी मैंने FR की जो रेगुलर बैच है वो प्रवीण शर्मा सर से ही ली थी। एंड जब मैंने ग्रुप वन के मल्टीपल अटैम्प्ट दिए हैं, तो जब जिस अटैम्प्ट में मैंने ग्रुप वन क्लियर किया है, उस अटैम्प्ट में पहले क्या था, मैं प्रवीण शर्मा सर के नोट्स पढ़ती थी, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट जब तक आप प्रैक्टिस मैनुअल पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपका ग्रुप वन क्लियर, ग्रुप वन क्या वो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल है, वो उसमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर नहीं होते। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, मतलब ओवरऑल मेरा रुक जाता था ग्रुप वन में। ऐसा नहीं था इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल मैं पास हो जाती बट ओवरऑल रुक जाता था। एंड मैं लास्ट, मतलब मेरा 196 मार्क्स तक गया था। तो जिस सेकंड में मैंने पास किया, उस अटेम्प्ट में मैंने प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ा था अकाउंट्स का, FR का प्रैक्टिस मैनुअल मैंने पूरा पढ़ा था। एंड जो ऐसे AS होते हैं, अकाउंटिंग ऑन स्टैंडर्ड, वो तो सर ने कराए थे। एंड इन AS के लिए मैंने कुछ कुछ वैकेलिटी की क्लास देखी थी एंड नोट्स बना लिए थे। तो ये था कि मटेरियल जो था वो प्रवीण शर्मा सर का ही था एंड ICI का स्टडी मैट था, ठीक है। एंड इन AS के लिए कुछ कुछ वैकेलिटी की मैंने क्लासेस देखी थी। एंड अगर मैं स्विच करती हूँ SFM, तो SFM की जो रेगुलर क्लासेस थी वो तो मैंने आदित्य जैन सर से ली थी। एंड उसके बाद जब SFM आदित्य जैन सर की क्लासेस ली, उनके कॉन्सेप्ट नोट्स अच्छे थे, नोट्स मेरे पास पूरे थे SFM के। एंड फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मैनुअल को सॉल्व किया। सी, प्रैक्टिस मैनुअल जब आप सॉल्व करते हो ना, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होता है कि यस, ये सब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया। तो प्रैक्टिस मैनुअल बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी प्रैक्टिस मैनुअल जब सॉल्व कर लेते हैं कि यस, मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो गया, डन, ऐसा होता है। एंड जो क्वेश्चन भी होते हैं ना प्रैक्टिस मैनुअल में, वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। कुछ इनिशियल क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट जैसे फॉरेक्स वगैरह के क्वेश्चन थे तो मुझे काफ़ी टफ लग रहे थे प्रैक्टिस मैनुअल। तो वो मैंने वहाँ से किया। आदित्य जैन सर की कॉन्सेप्ट नोट थी मेरे पास एंड प्रैक्टिस मैनुअल था, ठीक है। एंड कुछ जो, अगर देखिए सी, अमेंडमेंट, जैसे हम लोगों ने क्लासेस बहुत पहले ले ली थी, तो कुछ जो अमेंडमेंट हो जाते हैं या फिर कुछ नए टॉपिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है, यूट्यूब पर बहुत सारी फैकल्टीज़ की वीडियो होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए थे तो वहाँ से देख के हम नोट्स बना लेते थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑडिट का जो था, वो मैंने पंकज गर्ग सर से रेगुलर क्लास ली थी ऑडिट की। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि उस जिस अटैम्प्ट में मैं पास हुई हूँ, उस अटैम्प्ट में मैंने पंकज गर्ग सर की तीन सेट में एक बुक आती थी, एक बुक होती थी, उसमें पूरा मेन कॉन्सेप्ट होता था, MCQ बुक थी एंड चार्ट बुक थी। तो वो तीनों जो थ्री सेट था बुक्स का, वो मैंने ऑर्डर किया था एंड मैंने उसी से लास्ट टाइम में फिर पढ़ाई की थी। और इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लॉ की बात करूँ, तो लॉ की क्लासेस मैंने मुनीस भंडारी सर से ली थी। एंड जिस उसके बाद जब लॉ की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो गई, तो फिर मैंने क्या किया कि उनकी हैंडबुक ऑर्डर करवाई थी। एंड हैंडबुक जब मेरे पास आ गई थी, तो मैंने लास्ट टाइम में उस हैंडबुक को ही मल्टीपल टाइम पढ़ा था। सी, लॉ एंड ऑडिट जो है, जो कि आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके लिए, मतलब जब तक मैं पास हो नहीं रही थी, उसका सिर्फ यही रीज़न था कि मैं उसको पढ़ लेती थी एंड मैं उसका रिवीज़न नहीं करती थी। सी, लॉ एंड ऑडिट को अगर आप पास करना चाहते हो, तो उसका मल्टीपल रिवीज़न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैंने तो बहुत हार्ड वर्क किया था, मतलब क्या होता था ना कि, मतलब आज जो मैंने पढ़ा लॉ में एंड ऑडिट में, उसको मैं नेक्स्ट डे रिवाइज करती थी, उसके बाद ही मैं कुछ नया पढ़ती थी। क्योंकि लॉ एंड ऑडिट में क्या होते थे, नंबर आप स्कोर ही नहीं कर पाती थी। मैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, लाइक SFM था एंड FR था, उसमें तो अच्छे नंबर आप स्कोर कर लेते हो, लेकिन लॉ एंड ऑडिट में नंबर नहीं स्कोर होते। इसके लिए एग्रीगेशन में फिर प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ग्रुप रुकता है। तो फिर जिस अटैम्प्ट में मैं पास हुई थी, मेरा मल्टीपल रिवीजन था लॉ एंड ऑडिट का। एंड फिर उसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिला, मुझे लॉ में एग्जेम्पशन आई थी CA फाइनल में। तो मतलब जो हार्डवर्क मैंने किया था, वो तो मुझे मिल गया था रिजल्ट, यस। एंड ऑडिट पे भी मेरे नंबर एग्जेम्पशन नहीं आई थी, बट आई स्कोर 55 मार्क्स इन ऑडिट। एंड लॉ में मैंने एग्जेम्पशन स्कोर किए थे, दैट इज़ अ 64 मार्क्स। तो जो मल्टीपल रिवीजन मैंने किया था, उसका बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो FR एंड SFM के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली जो करना है ये है कि आपको
स्टडी मैट, मतलब अपनी स्टडी मैट आती है, बट हमारे समय प्रैक्टिस मैनुअल जो भी है, प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मैट, वो आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वो सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, मतलब सेम डिटो एफ आर के पेपर में। मैं बताऊँ कि होल्डिंग का जो क्वेश्चन आया था वो सेम क्वेश्चन आ गया था जो कि प्रैक्टिस मैनुअल का था, एंड बैलेंस शीट मैच भी कर गई थी। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि यस, एक क्वेश्चन मैंने किया एंड मेरा देखा हुआ क्वेश्चन था और मुझे मतलब इस पे ज़रूर नंबर मिलेगा। तो ऐसा होता है। एंड एस एफ एम में भी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने प्रैक्टिस मैनुअल से किए हैं। तो आप किस भी जिस भी फैकल्टी की आप क्लास ले रहे हो, एफ आर के लिए एंड एस एफ एम के लिए, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मैनुअल ज़रूर लगाना है। एंड सिर्फ एक बार नहीं लगाना है, कम से कम 3 या 4 बार आप प्रैक्टिस मैनुअल लगाओ एफ आर एंड एस एफ एम के। एंड लॉ एंड ऑडिट के लिए आप चाहे जिस फैकल्टी की क्लास लो, रेगुलर लो, फास्ट ट्रैक लो, या तो आप खुद से पढ़ो, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है। अगर आप खुद से भी पढ़ते हो तो लॉ एंड ऑडिट को कर सकते हो, बट ये है कि आपको क्या करना होगा, मल्टीपल रिवीजन। लॉ एंड ऑडिट बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क मांगता है एंड उस पर आपको मल्टीपल रिवीजन ही करना होगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है एंड कोई भी चीज़ें आती हैं, अगर आप अच्छे से उसको लिखते नहीं हो वहाँ पे, तो नंबर स्कोर नहीं होते हैं लॉ एंड ऑडिट में। तो मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड जो प्रिपरेशन था सिर्फ यही था कि एफ आर एंड एस एफ एम में मैंने लास्ट टाइम में एकदम प्रैक्टिस मैनुअल को 2 बार 3 बार देखा, एंड लॉ एंड ऑडिट के लिए मैंने मल्टीपल रिवीजन किया। मल्टीपल रिवीजन इज़ द की टू स्कोर द एग्जामिशन, या तो अच्छे नंबर जो भी आपको लाने हैं उसके लिए। सो दिस वॉज ऑल द माई प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी जो भी था, एंड फैकल्टी एंड जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया, मैंने सब कुछ बता दिया। एंड वन थिंग ये कि आपको मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है जब आप सीए फाइनल का कोई भी ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो। ऐसा होता है कभी कभी हम क्या करते हैं कि ग्रुप 1 पढ़ लिया एक सब्जेक्ट, उसके बाद 2 महीने के बाद हम उसको टच करते हैं दोबारा। तो इसमें क्या होता है ना कि जब कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो उस सब्जेक्ट से हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब रिवीज़न रखना है, ठीक है। अगर आप जैसे आपने एफ आर ख़त्म कर लिया तो ठीक है, एक दिन एटलीस्ट आप अगर संडे को बैठते हो तो संडे को रिवीज़न रखो, बट एस एफ एम के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। बट जो थियरी सब्जेक्ट है उसके लिए तो आपको डेली का डेली रिवीज़न करना है। अगर आप डेली रिवीज़न नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था। एंड जो ऑडिट एंड लॉ का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए सारी चीज़ों को मगअप करने के लिए, उसको याद करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। सो अगर आप ऐसा करोगे कि आपने प्रैक्टिस मैनुअल कर लिया एफ आर एंड एस एफ एम के लिए, एंड आप लॉ एंड ऑडिट का मल्टीपल रिवीजन करते हो, तो डैम श्योर आप ग्रुप 1 क्लियर कर लोगे, वो भी अच्छे नंबर से कर लोगे। जब मुझे लॉ में एग्जेम्पशन आ सकती है तो आपको भी आ ही सकती है एंड डेफिनेटली आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड जिन लोगों ने जिस वीडियो की डिमांड की है मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।